जब कभी मेट्रो ले जाया जाता है तो मेट्रो का छत भंस ना जाए उस पर 3 फीट की ढलैया करते हैं। कितने फीट का? 3 फीट का। जिस प्लेट पर हम लोग खड़े हैं उस प्लेट की ढलैया 100 किलोमीटर इतना मोटा है। ये मेडागास्कर का ये एरिया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे उठल है, हाई देखिए तो पचकल है, अगर ठेलेंगे तो हमें फिट हो जाएगा। अभी आप रीका वाले को पता नहीं है, अभी गढ़ावा में झांक के देखता है गढ़ा हो गई लो, दादा से पूछता है दादा यहाँ गढ़ा था, तो कहना गढ़ा तो नहीं था, तो नहीं साउथ में नहीं एकदम बालल पकल है वो गासी ले ले केला के खेत में दौड़ा के काट रहा है मैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा दलदल सूड दलदल। कौन दलदल? सूड दलदल। दलदल में आप जाएंगे तो धंसते जाएंगे क्योंकि ऊपर में बालू रहता है और नीचे में कीचड़ और पानी रहता है, इसलिए वो बहुत तेजी से धंस जाता है। दलदल में अगर जल्दी डूबना है तो एगो पैरवा पे एगो पैरवा उठा लीजिए, समझ में गया? दो गो पैर है ना तो एगो उठा लीजिए ऐसे एड़ी पे, हचाक से चल जाएंगे अंदर। और अगर देर तक डूबना चाहते हैं देर में तो ऐसे क्या कीजिए, पेट के बल ऐसे हल्का सा लेट जाइए, पैर तो अंदर घुस गया ऐसे पेट के बल लेट जाइए और किसी चीज को पकड़ के आप कोशिश कीजिए बाहर निकलने की, और मतलब कुछ अगर पकड़ा उकड़ा जाए तो, और नहीं तो भगवान को याद कीजिए चाहिए। जय हो भगवान, आई तो हम सीट खाली रखियो, समझ में गया? आप लोग स्वर्ग मांगते होंगे, हम भगवान से यही कहते कि नरक में बस एक कन्फर्म सीट दे दियो, समझ में गया? भाई साहब हम लोग को नरक में सीट मिल जाए बहुत है, गारंटी करते हैं डेली मार होगा नरक में सीट के लिए, नरक भर जाएगा, इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, भगवान को भी नहीं पता था कि ये सब इतना बच्चा कर देगा सब जगह। अब खुद सोचो अगर इतनी लोगों को स्वर्ग में रखेगा कहां से मेस का खर्चा आएगा, खाना बनाने वाला मर जाएगा बेचारा। सब मैनेजमेंट गड़बड़ है। ये मेडागास्कर का ये एरिया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे उठल है, हाई देखिए तो पचकल है, अगर ठेलेंगे तो हमें फिट हो जाएगा। ये कहां से भागा है मेडागास्कर? यहां से भागा है, पहले इसमें क्या था? सटल था। आज से 8 करोड़ साल पहले ये सटल था। अभी अफ्रीका पूरा कट के अलग हो रहा है यहां से, अफ्रीका पूरा कट के यहां से अलग हो रहा है, पहले ये भी पूरा सटा हुआ था, दिख रहा है सिमेट्रिक, ये इसमें बैठाएंगे बैठ जाएगा, इसको नहीं देख रहे हैं यूएई को ईरान में बैठाएंगे इसे दाब के तो बैठ जाएगा सब। अभी क्या हो रहा है? घसक रहा है, क्या हो रहा है? घसक रहा है, और साफ अब दरार दिखने लगा 2 करोड़ साल के बाद। आज से कितने करोड़ साल का? 2 करोड़ साल बाद ये पूरी तरह अलग हो जाएगा मेडागास्कर से। इस तरह जैसे मेडागास्कर ये अलग हुआ ना, वैसे ये सब क्या हो जाएंगे? सब अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये इसे कहा जाता है बृहद भ्रंश, ग्रेट रिफ्ट, बृहद भ्रंश कहा जाता है। भ्रंश मतलब होता है दरार पड़ जाना। इतना बड़ा टुकड़ा होने जा रहा है इस देश, इस पृथ्वी का, इसलिए जहां भी देखते हैं अभी सब पृथ्वी वगैरह यहाँ पे दरार पड़ने वाला है। अभी अफ्रीका वाले को पता नहीं है, अभी गढ़ावा में झांक के देखता है गढ़ा हो गई लो, दादा से पूछता है दादा यहाँ गढ़ा था, तो कहना गढ़ा तो नहीं था, तनी मनी ये गड्ढा था, नाली बराबर था, दादा के समय नाली बराबर, पापा के समय नाला बराबर, एकरा समय नदी बराबर, अब धीरे धीरे उसमें क्या भर जाएगा? पानी। जहां तनी सा पानी से मिला समुन्द्र की लहरें उसमें घुस जाएंगे, बस काम खत्म, उसमें मार के पूरा क्या कर दे, काट के अलग कर देंगे सब। अब अफ्रीका के लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा, सबसे बड़ा दिक्कत होगा किसान को, आधा 2 बीघा खेत है ने 2 बीघा खेत होने, बहुत दिक्कत होगा यूरिया छींटने में, समझा गया? और करोड़ों साल बाद ऐसा होगा। इतिहास में कुछ दिनों की भी अहमियत होती है, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना तो 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, समय समय की क्या होती है अहमियत। इतिहास में 1 करोड़ साल को कोई नहीं पूछता, अभी इसमें बहुत ज्यादा समय है, आप लोग नहीं घबराइए। और मान के चलिए अब ये होने वाला है तो कौन मर, हम लोग यहाँ रहते हैं, जो रहता है वो समझे, धीरे धीरे प्लेट खसकते हैं सब। ये आपको हम फाउंडेशन बैच में पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। हम लोग जो खड़े हैं ये प्लेटों पर खड़े हैं, लेकिन जिस प्लेट में हम खाना खाते हैं ये प्लेट भी वैसे ही है। अंतर ये है कि जिस प्लेट में हम खाना खाते हैं वो खूब से खूब 2 से 3 mm की होती है। कितने mm की? 2 से। जिस प्लेट पर हम खड़े हैं जिसे आप लिंटर या ढलैया कहते हैं वो 6 इंच का होता है, 4 से 6 इंच का। तो छत की ढलैया कितने प्लेट पर? सोचिए, इतना 6 इंच का प्लेट का ढलैया पूरा बिल्डिंग रोक लेता है कि नहीं? लेकिन जब आप कभी कभी मेट्रो का स्टेशन ले जाए या ओवर ब्रिज वगैरह ले जाते हैं, पुल वगैरह, तो उसका ढलैया 1 फीट का होता है। कितने फीट का?
1 फीट का। जब कभी मेट्रो ले जाया जाता है तो मेट्रो का छत भंस ना जाए उस पर 3 फीट की ढलैया करते हैं। कितने फीट का? 3 फीट का। जिस प्लेट पर हम लोग खड़े हैं उस प्लेट की ढलैया 100 किलोमीटर इतना मोटा है। कितना मोटा है? 100 किलोमीटर। मन ठंडा गया? भूगोल पढ़ने के लिए भी सोच बड़ी होनी चाहिए। हाई थरिया लोटा वाला आदमी वाला भूगोल पढ़ने बैठे गए यहाँ पे, ओकरा खातिर लूसेंटे सही है। 7 गो प्लेट, 20 गो छोट, 7 गो बड़, खत्म। जहां उस साइज देखने लगेगा पगला आ जाएगा वहां। समझ में आ गया कि नहीं? इस हम जिस प्लेट पर खड़े हैं, आप जिसे पृथ्वी कहते हैं, वो क्या है? प्लेट। क्या है? प्लेट। आपका यहां भी प्लेट होगा। अगर प्लेट पुराना हो गया तो कहीं कहीं धंस गया, कहीं कहीं धंस गया, कहीं ज्यादा धंस गया, कहीं कम धंस गया, हो गया। तो इसी प्लेट पर कहीं धंस गया तो समुन्दर, कम धंसा तो झील, कहीं विक्टोरिया झील, कहीं न्यासा झील, कहीं नियाग्रा झील। समझ में आ गया कि नहीं? और कहीं समुन्दर, कहीं लाल सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। अब इस प्लेट में छेद नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस प्लेट को आप खाते हैं वो 2 mm मोटा होता है। छेद होगा तो आर पार हो जाएगा, छेद होगा तो आर पार। लेकिन ये प्लेट कितना है? 100। जिस तरह सड़क की ढलैया होती है 1 फीट की, सड़क की ढलैया 1 फीट, मिस्त्री कहीं मसाला कम भरता है तो पानी लग जाता है, वही हो गया गढ़ा झील। और कहीं कहीं ज्यादा मसाला कम कर देता है, वही हो गया समुन्दर। समझ आ गया? ये भगवान कोने कंपनी से ढलैया कराया है किसी को नहीं पता, वो नहीं बताता है कहीं पे भी। समझ आ गया? किसी को दिक्कत? लड़की सब सोचती है सभी सब सही बात है। सब भूगोल उगोल कुछ ही पता ही है, प्लेट टेक्टोनिक तो कुछ ऐसे ही बोला, ये सब सही बात थोड़े हो। समझ आ रहा है लड़की सबको? सही बात है सब। वो सब विश्वास ही नहीं करती है सर कि इतना भी खतरनाक दुनिया हो सकता है। आगे बढ़े तो ग्रेट किस महाद्वीप में बृहत दरार पड़ा हुआ है? अफ्रीका वाला पे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आपको पता है भारत इसी से सटा था, इसे हम लोग यहां ऐसे थे, अब पूरा किससे सटल थे? यहां से। ऐसे ही दरार पड़ते पड़ते भारत यहां से उठ के कहां चल गया? ऊपर। अब मेडागास्कर यहीं फंस गया, कहीं नीचे ऊंचे में पेंदी रगड़ा गया होगा, फंस गया यहां पर। अरे कभी कोई नहीं, जाम में फंस जाता है, गाड़ी नीचे फंस गया, कहीं नहीं पड़ रहा, अब भारत छोड़ के चल दिया, कहा रोह छोटा तो रही रह। ठीक हुआ हम लोग यहां से भागे, करिया करिया होते लोग यहां। अभी भी भारत का जो नीचे वाला एरिया है इन्हीं सबका पटदार है। साउथ के हीरो को देखते हैं, हाँ मंगरेला टाइप हीरोइन सब पता नहीं कहाँ लगा, लेकिन एवरेज जनसंख्या साउथ की काली होती है। हीरोइन को सेलेक्ट करके ना लाया जाता है, एक्सपेक्शन में सेलेक्ट करके लाया जाता है साउथ की हीरोइन सब। आगे बढ़े। साउथ के एक चीज देखिएगा, साउथ में, साउथ के फिल्मों में और भोजपुरी फिल्मों में हीरो बड़ी बूढ़ बूढ़ रहता है सब। 40 साल सकले देखे, शाहरुख खान का एज ज्यादा है नो डाउट, सलमान खान का एज ज्यादा है, बट जब उसे मूवी में लाया जाता है ना, मेकअप करके उसे यंग बनाया जाता है, लेकिन इसमें साउथ में नहीं, एकदम बाल पकल है, वो गासी ले ले केला के खेत में दौड़ा के काट रहा है मां। समझ आ गया? जहां गुंडा देखेगा पैर पटकेगा लुंगी बांधेगा खतरा सोचा चालू फेंका हम बांध दिए ले या बिहार वाला फेंकेगा तो अपने उलट जाएगा। तो हम लोग यहाँ आज में लुंगी बांधता है सब, और लुंगिया में चुनौती रख ले रहता है सो कहानी में। साउथ का अगर गुंडा आएगा तो लुंगी ऐसे खटाक से गिन के बांधेगा, अब बिहार वाला खोल के चुनौती तो हम पंजी रहे बता। तो ये भ्रांत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?